खबर मध्य प्रदेश के रीवा से है, जहां नगर निगम क्षेत्र अंतर्गत वार्ड नंबर 5 में जनता को गंदा और बदबूदार पानी पीने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है। आपको बता दें कि विगत 4-5 दिन से नगर निगम वार्ड 5 में गंदे पानी की सप्लाई हो रही है। इस समय बारिश का भी सीजन चल रहा है और लोगों के घरों में गंदा पानी सप्लाई हो रहा है। वैसे तो नगर निगम प्रशासनिक अमला हर वार्ड में मीठा पानी सप्लाई करने की बात करता है, लेकिन आप वीडियो में साफ देख सकते हैं कि किस तरह जनता को गंदा पानी पीना पड़ रहा है। वहीं इस गंदे पानी को पीने से लोगों को बीमारियों का भी सामना करना पड़ रहा है। सबसे बड़ा सवाल यह है कि रीवा की नगर निगम की सरकार कब जागेगी और जनता को मीठा पानी कब मिलेगा। पानी पी के बीमार हो गया आदमी, क्या करे सर। देखिए, 3 दिन से पानी बिल्कुल गंदा आ रहा है, 3 दिन से पानी गंदा आ रहा है। ये मतलब था चलो पानी बरस रहा है तो चलो ठीक है, पानी बरसने में तो पानी हिल जाता है तो इसलिए गंदा आ रहा। अब बताइए 3 दिन से पानी बंद है, अब बताइए मटमैला पूरा प्योर फूटी की तरह पानी आ रहा, पीला पीला पूरा है, पूरा माटी बाहर किया जा रहा है। बताइए हम लोग मर जाएंगे, बताइए 2 बाल्टी पानी के लिए हम तरस रहे हैं। पानी है बिल्कुल गंदा पानी है, बिल्कुल निछट पानी है, बताइए हम लोग क्या करें। पीने योग्य नहीं, पीने योग्य नहीं है बिल्कुल। हम 50 बाल्टी अभी फेंक चुके पानी, पानी एक भी सही नहीं आ रहा है।